तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक प्रूफ दिखाने वाला हूँ। ये आप सभी लोग मेरे एक वीडियो का एनालिटिक्स देख सकते हो। वीडियो पब्लिश करने के फर्स्ट 24 आवर्स में जो है सिर्फ 14 व्यूज आया था। अब जो है मैं इसको यहाँ पे सिंस पब्लिश करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो, यहाँ पे जो है मैंने ये वीडियो को बूस्ट करा और बूस्ट करते यहाँ से देख सकते हो कितना स्पीड से व्यूज आना स्टार्ट हुआ और लाखों में व्यूज पहुँच गया। ये जो मैं आपको चीज़ अभी बताने वाला हूँ दोस्तों, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ जो है आपको ज़्यादातर यूट्यूब पर कोई भी फ्री में नहीं बताता। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आया, यानी कि जो है वीडियो अभी एवरेज ही चल रहा है। अब इसके बाद फिर मैं इसको एक बार बूस्ट दूंगा तो फिर जो है ये इस पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे स्टेटस में देख सकते हो स्पेशली यूट्यूब शॉर्ट से ही आ रहा है। कैसे क्या करना है मैं सभी आपको यही वीडियो में बताने वाला हूँ। और ऐसा एक वीडियो के साथ नहीं है, आप मेरे चैनल का बहुत सारा वीडियोज देख सकते हो। यहाँ पे ये वीडियो को भी मैंने कुछ इसी तरीके से यहाँ पे प्रमोट किया, फिर मैंने इस पॉइंट पे प्रमोट कराया, फिर मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे ही प्रमोट कराया। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से व्यूज आ रहा है। ये भी वीडियो में आप सब देख सकते हो, यहाँ पे जो है मैंने इसको प्रमोट कराया, फिर मैंने इसको यहाँ पे बूस्ट कराया, फिर यहाँ से स्पीड में चला गया। उसके बाद इसमें भी आप सब देख सकते हो, यहाँ पे जो है मैंने इसको एकदम अच्छे तरीके से बूस्ट करा है। उसके बाद देख सकते हो इतना तक बूस्ट हुआ, उसके बाद देख सकते हो फिर वीडियो अभी तक चल ही रहा है। फिर मैं आपको एक ये भी वीडियो का दिखा दूँ, यहाँ पे आप सब देख सकते हो, यहाँ पर भी इस पॉइंट पे मैंने इसको एक बार बूस्ट करा है, एक बार मैंने यहाँ पर बूस्ट करा है, और फिर देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पीड से ये वीडियो अभी भी बढ़ रहा है। और ज़्यादातर जो व्यूज आ रहा है वो शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स से आ रहा है, सजेशन से आ रहा है, ऐसे ही व्यूज आप लोगों को आ रहा है। और जो है आप सभी लोग सबसे मेन गलती क्या करते हो कि आप सभी लोग सिंपली एक वीडियो को बना करके अच्छे से टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लिख करके यूट्यूब पे अपलोड कर देते हो और अपना स्टेटस में रिफ्रेश करके देखने लगते हो यूट्यूब स्टूडियो में कि कितना व्यूज आया, कितना वीडियो परफॉर्म किया। लेकिन वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता है। आपको वीडियो अपलोड करने के बाद जो है स्पेशली 12 से 24 घंटे के बाद जो है आपको वो वीडियो को बूस्ट भी करना होता है। जब आप सभी लोग कोई वीडियो को बूस्ट करते हो तभी वो वीडियो रन उठाता है और साथ ही साथ यूट्यूब सर्च और सजेशन वगैरह में भी रिकमेंड होता है। तो वो आपको बूस्ट कैसे करना है ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा। ये चीज़ जो है यूट्यूब का एक सीक्रेट ही है। और जो ये कैसे करके ये वर्क करता है इसके लिए आपको ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। आप सभी लोग अगर छोटा भी पॉइंट इसका मिस कर देते हो तो आपका जो है ये ट्रिक आपके लिए वर्क नहीं करने वाला है, उसीलिए ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अभी पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, और यार अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अपना हम लोग मेन ट्रिक की तरफ। तो जब भी आप सभी लोग कोई भी वीडियो को यहाँ से यूट्यूब पर अगर आपने अपलोड कर दिया है तो अपलोड करने के बाद आपको 12 से 24 घंटा जितना आपको वेट करना है। उसके बाद जो आपने जो भी अपना रिसेंट वीडियो को पब्लिश करा है उसका जो है आप लोगों को सिंपली एनालिटिक सेक्शन में जाना है। एनालिटिक सेक्शन में जाने के बाद ये आप सब देख सकते हो मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था, तो यहाँ का तो वो वीडियो जो है मैंने यहाँ पर अपलोड करा है। अब हमें जाना है यहाँ से रीच वाले सेक्शन में। रीच वाले सेक्शन में आने के बाद आप सब यहाँ से सभी चीज़ वीडियो का डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे आना है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रैफिक सोर्स और उसके बाद में मिल जाएगा यूट्यूब सर्च। और जो यहाँ पे सभी वीडियो में आप सब देख सकते हो मेजोरिटी ऑफ जो व्यूज है वो आ रहा है हम लोगों का यूट्यूब सर्च से ही और साथ ही साथ एक्सटर्नल से। और एक्सटर्नल का भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत स्टेटस इधर बता दूँ तो एक्सटर्नल में भी आप सब देख सकते हो स्पेशली ट्रैफिक आ रहा है हम लोगों का गूगल सर्च से, यानी कि ये सभी गूगल सर्च यूट्यूब सर्च यहाँ से जो व्यूज आता है वो सभी जो है 100% ऑर्गेनिक व्यूज होता है। तो इसको लेने के लिए जो है आपका जो भी रिसेंटली पब्लिश वीडियो है इसका जो है यहाँ पे ट्रैफिक सोर्स में आ जाना है, और जो यहाँ पे यूट्यूब सर्च लिखा हुआ है इसी के नीचे आपको सी मोर पर जो है सिंपली क्लिक कर देना है। तो जब आप सभी लोग सी मोर पे क्लिक कर दोगे तो ये देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ दो ही कीवर्ड मिल रहा है, क्योंकि जो है ये वीडियो यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट के रिलेटेड है और ये वीडियो है ज़्यादातर शॉर्ट से इसमें व्यूज नहीं आता, इसमें ज़्यादातर व्यूज आता है हम लोगों का यूट्यूब रिकमेंडेशन से। और जैसे कि मैं आप लोगों को ये वीडियो का बता दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग के 24 आवर्स में जो सिर्फ 500 व्यूज ही आए थे। उसके बाद मैंने क्या किया कि सिंपली हम लोग गए रीच पे, और रीच पे जाने के बाद जो है नीचे की तरफ यहाँ पे आपको यूट्यूब सर्च दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे सी मोर पे आपको क्लिक करना है। सी मोर पे क्लिक करते ही आपको दिखा देगा कि
कि लोग क्या क्या सर्च करके आपका जो ये वीडियो है इसको देख रहे हैं। जब आप सभी लोग कोई भी वीडियो को प्रमोट करते हो तो YouTube खुद से एनालाइज करता है कि वो वीडियो किस रिलेटेड है, कौन सा ऑडियंस वगैरह को दिखाना चाहिए। तो मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाया हाउ टू ग्रो ऑन YouTube, और अगर मान लीजिए कोई सर्च करता है YouTube चैनल को ग्रो कैसे करें, तो वहाँ पे भी आपका वीडियो आ सकता है। और जो जो चीज़ें लिख करके लोग आपका वीडियो को सर्च कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आपका वीडियो आ रहा है, मतलब कि वो जो कीवर्ड है उस पे आपका वीडियो रैंक है। यानी कि अगर आपने वो कीवर्ड अपने डिस्क्रिप्शन टाइटल में रखा हो या फिर नहीं रखा हो, अगर वो चीज़ यूट्यूब पर से लोग सर्च करके आपके वीडियो में आ रहे हैं, मतलब कि वो कीवर्ड जो है आपके वो वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। और अगर वो कीवर्ड को आप अपना वीडियो का मेटा डाटा में रख देते हो, आपका वीडियो जो है बहुत ही अच्छे तरीके से रैंक करने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इतना चीज़ जो है लिख करके लोग मेरे वीडियो में आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा कीवर्ड्स जो है यूट्यूब ने मेरे को फ्री में दे दिया। तो यही सब कीवर्ड को जो है आपको कॉपी करना है। और अगर आप सभी लोग एंड्रॉयड में यूज कर रहे हो तो यूट्यूब स्टूडियो में भी जा करके वहाँ से भी आप सभी लोग सभी कीवर्ड को देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको यूट्यूब स्टूडियो से कॉपी करना है तो वो पेज का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के उसको इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर ऐप वगैरह से कन्वर्ट भी कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो मैनुअली टाइप भी कर सकते हो। तो वहाँ पे भी यूट्यूब स्टूडियो में भी सेम इसी तरीके से आप सभी लोग वीडियो के एनालिटिक्स में जा करके वहाँ पे भी आपको रीच वाले सेक्शन में यूट्यूब सर्च टर्म्स बता देगा। तो यहाँ से जो है इस सभी कीवर्ड को आपको पहले निकाल लेना है, उसके बाद आपको जाना है डिटेल्स में। तो जो दो कीवर्ड जो है सबसे टॉप में शो हो रहा था उसी को जो है आपको यहाँ पे टाइटल बना देना है। देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड यहाँ पे लिख दिया है और ये दूसरा कीवर्ड यहाँ पे लिख दिया है, और बीच में आप सभी लोग चाहो तो कोई भी एक स्लैश यूज कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे भी आपको कुछ उसी तरीके का कीवर्ड जो है लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है बेस्ट गूगल एड्स सेटिंग, फास्ट अप्रूवल, यहाँ पे वन टू नो गूगल एड्स अप्रूवल टाइम, और यहाँ पे ये भी है हाउ लॉन्ग गूगल टेक। यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत बार जो है वही जितना कीवर्ड मैंने वो रीच वाले सेक्शन से कॉपी करा था सिर्फ उसी को जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट करा है। और साथ ही साथ नीचे की तरफ देख सकते हो जितना उधर कीवर्ड था सभी को जो है मैंने उठा करके यहाँ पे रख दिया है। और अगर आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कीवर्ड्स रखते हो तो आपके वीडियो पे जो है कम्युनिटी गाइडलाइन भी आ सकता है, या फिर अगर आप सभी लोग कॉमा लगा के भी रखते हो तो हो सकता है आपको कम्युनिटी गाइडलाइन भी आ जाए। जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक वीडियो यहाँ पे दिखाया था ये एकदम से ज़्यादा व्यूज आया है। तो इस पर मैंने क्या करा था कि इस पर मैंने बहुत सारा कीवर्ड्स पब्लिश करते ही मैंने इस पर लगा दिया था, और साथ ही साथ वहाँ पे मैंने कॉमा कॉमा भी लगा दिया था, उसीलिए जो वहाँ पे इंस्टेंटली थोड़ा ज़्यादा तो व्यूज आ गया, लेकिन उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। अगर वैसा आप सब करते हो तो हो सकता है आपका जो वीडियो है उसको यूट्यूब डाउन कर दे। मेटा डाटा में आप सभी लोग ज़्यादा उधर छेड़खानी मत कीजिएगा। इतना जो कीवर्ड जितना मैंने ऐड करा है इतना जो है सेफ होता है, इतना जो है आप सभी लोग उधर से रख सकते हो। इतना रखने के बाद जो है यहाँ पे जो टॉप में जो 5-10 जो कीवर्ड है इसको जो है सिंपल से आप लोगों को आकर के अपने टैग वाले सेक्शन में पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जितना भी पेस्ट करा है सभी जो है रैंक कर रहा है, क्योंकि सेम चीज़ जो है लोग यूट्यूब पे सर्च करके हमारे वीडियो में आ रहे हैं, और वही कीवर्ड को अगर हम लोग अपना वीडियो में रखें तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों का जो वीडियो है वो रैंक करेगा ही। यहाँ पे जो मैं आप लोगों को सभी वीडियो का यहाँ पे दिखाया था सभी वीडियो में कुछ वैसा ही हाल होगा। तो इसका हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये अभी लोडिंग हो रहा है, लोडिंग शॉर्ट देख सकते हो इसमें भी रैंक ही कर रहा है। मैं आप लोगों को सभी वीडियो का जो है दिखा देता हूँ ताकि जो है आप लोगों का एकदम डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो यहाँ से भी आप सब देख सकते हो मैंने सेम तरीके से यहाँ पे उतना ज़्यादा कीवर्ड्स वगैरह रखा है जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया। यहाँ पे भी देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से ये सब रैंक कर रहा है। आप सभी लोग कोई भी वीडियो का मेरा देख सकते हो वही तरीके से जो है मैंने लगाया हुआ है। मेरा टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सभी चीज़ पब्लिक ही है, आप लोग जा करके मेरा सभी वीडियो का चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने उसी तरीके से उतना ज़्यादा कीवर्ड्स को इधर रख दिया है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे मैंने टैग में भी वैसा ही रखा है। देख सकते हो कितना अच्छा खासा हम लोगों का जो ये वीडियो है ये रैंक कर रहा है। और जब मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि आप जितना वीडियो बनाओगे वो सभी रैंक करेगा ही। आप लोग अगर मान लीजिए 10 वीडियो नॉर्मली आपने पब्लिश करा है और 10 पे अगर आप सभी लोग सेम सेटिंग को करते हो तो 5 या फिर 7 वीडियो आपका एब्सोल्युटली रैंक हो जाएगा। 2-3 वीडियो ऐसा होता है जिसको आप जितना ही प्रमोट कर लो वो वीडियो यूट्यूब जो आगे रिकमेंड नहीं करता कि नहीं करता, लेकिन अगर आपका 10 वीडियो आपने पब्लिश करा है उसमें से आप सभी लोग ये ट्रिक को अप्लाई करते हो तो नहीं भी तो मिनिमम 5 वीडियो आपका बहुत ही इजीली रैंक हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 वीडियो भी आपका रैंक हो सकता है।
तो यही तरीके से जो है आप सभी लोग वीडियो पब्लिश करने के बाद अपना वीडियो को एक बूस्ट दे सकते हो और साथ ही साथ उसको यूट्यूब के थ्रू प्रमोट करवा सकते हो। तो आई होप गाइज कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए।